हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्वाद में। आज हम बनाएंगे पालक बेसन रोल। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चे इसे भी बहुत पसंद करने लगेंगे। ये अलग तरह से मैंने रेसिपी बनाई है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और बच्चे भी इसे पसंद करने लगेंगे। अगर बच्चे पालक ना खाते हो तो ये बच्चे भी खाने लगेंगे, ये हेल्दी है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरह के बड़े साइज के पालक के पत्ते लिए, देखिए बड़े साइज की रहती है इस तरह से, और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे हम। और यहाँ पे मैं एक बाउल में एक कप बेसन का आटा लूँगी, चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालूँगा आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, इसे क्रश करके डाल देंगे, और दो चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे पहले, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, दो चम्मच। इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे, जैसे हम पकौड़ों के बैटर बनाते हैं पकौड़े के लिए, उसी की तरह हम इसका बैटर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ये देखिए। अब इसे हम पत्तों पे लगाएंगे। तो देखिए हम एक पालक का पत्ता लेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर की जो डंठल है इसे हम इस तरह से प्रेस करके दबा देंगे ताकि ये रोल होने में आसानी से और रोल हो सके। अब इसके ऊपर हम बेसन का बैटर लगाएंगे इस तरह से। इसको जब तक हम बैटर लगा रहे तब तक हमने पानी उबलने को रख दिया है, इसे हम स्टीम करेंगे पहले। तो इस तरह से हम लगा देंगे, आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं इसे। और इसे लगाने के बाद हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे, आप चाहे तो डबल इसमें भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम रोल कर लेंगे इसे, देखिए इस तरह से। तो सभी को हम इस तरह से बेसन का घोल लगा के इस तरह से रोल कर लेंगे। तो देखिए हमने सभी पत्तों को इस तरह से लगा के रोल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने को रख दिया है, और उसके ऊपर एक इस तरह से जाली रखूँगी, और उसी के ऊपर ये सभी को इस तरह से स्टीम होने के लिए रख दूंगी। तो इसे हम अच्छे से भाप में पका लेंगे इसे। तो देखिए हमने सभी को इस तरह से रख दिया। अब इसे हम ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक हम भाप में इसे पकाएंगे। सेट हो चुके हैं, अब इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पालक के पत्ते बॉईल हो चुके हैं। अब इसे हम ठंडा होने के बाद इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो देखिए जैसे हम आलू की वड़ी बनाते हैं उसी अकॉर्डिंग उसकी तरह हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम रोल रोल इसके कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके रोल बना के इसे कट कर लिए है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम इनको डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि ये ऊपर से ना जले। आप चाहे तो इसे बॉईल करके भी उसी तरह खा सकते हैं, वो भी टेस्टी लगते खाने में। और इस तरह के पालक के पत्तों के अगर आप ये वड़ी बनाएंगे तो ये हेल्दी भी रहते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। अगर बच्चे पालक ना खाते होंगे तो उन्हें इस तरह से बना के दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा ये, देखिए इस तरह से। और ये खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बन गए, इसे निकाल लेंगे हम।
तो देखिए इस तरह से हमारे पालक बेसन रोल बनके तैयार है और दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और खाने में भी टेस्टी है। इसे अगर आप बना के बच्चों को देंगे तो बच्चे अच्छे से मांग मांग के खाएंगे इसे, और जो पालक नहीं खाते वो भी इसे पसंद करने लगेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।